सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई यहाँ पे जियो एंड एयरटेल का जो एयर फाइबर है वो काफी ज्यादा भाई साहब ट्रेंड पे है, काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। जियो एयर फाइबर ने तो पूरी धूम मचा रखी है। जियो एयर फाइबर के लिए तो भाई लोग ना मतलब के बार बार एक ही चीज को सर्च करते रहते हैं कि जियो एयर फाइबर को कैसे लगवाएं, जियो एयर फाइबर को कौन कौन से शहर में, कौन कौन सी सिटी में आप लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, सीधी सी बात है, जियो एयर फाइबर एंड एयरटेल एयर फाइबर के अंदर काफी सारा डिफरेंस भी है, बट यहाँ पे जियो एयर फाइबर फिर भी भाई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है, यानी कि आपको कम पैसों में जियो एयर फाइबर ज्यादा बेनिफिट देता है, फीचर्स देता है। एंड यहाँ पे साथ साथ आपको पता है कि भाई एयरटेल जो है जियो एयर फाइबर के साथ साथ चलने की पूरी कोशिश में है, तो चाहे वो प्लान को लेके हो, बेनिफिट्स को लेके हो, या फिर दोस्तों प्राइस कॉस्ट को लेके हो, तो कहीं ना कुछ मतलब चेंजेस रहते हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते। चाहे एयरटेल जितना मर्जी कोशिश कर ले जियो के बराबर आने की, पर टाइम लगेगा भाई, नहीं आ सकता। जियो जो है दो कदम आगे चल रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे जैसे कि दोस्तों, जियो ने अपने एयर फाइबर के प्लान को जो है 3 महीने में लॉन्च किया था कि अब आप 3 महीने का भी प्लान ले सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सेम टू सेम फिर एयरटेल ने भी कर दिया भाई, ठीक है। एयरटेल वालों ने भी कहा कि आप हमारे एयर फाइबर को भी भाई आप 3 मंथ के लिए ले सकते हैं। जहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर अवेलेबल है वो पर्सन 3 महीने के लिए मिनिमम रिचार्ज करा सकते हैं। बट मेन चैलेंज क्या आता है, जियो एयर फाइबर की जो सिटीज हैं, जो एरिया है, जो कवरेज एरिया है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि फैल चुका है, ऑलमोस्ट पैन इंडिया के अंदर जो है जियो एयर फाइबर अवेलेबल है। बट यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो अभी तक जो एयर फाइबर के सिटीज थे ना भाई साहब, गिन चुन के जो जिले थे वो सिर्फ 7 ही थे। बट अब जो एयरटेल कर रहा है भाई वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। एयरटेल ने काफ़ी तगड़ा जंप मारा है सिटीज़ को लेके, अपने कवरेज को लेके। अब यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर का जो कवरेज है 7 नहीं 28 से 29 30 के आसपास जो है राज्य कवर कर लिए हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर दोस्तों जो एयरटेल है ऑलमोस्ट मतलब कि सभी जगह एयरटेल एयर फाइबर को घोषित कर देगा, स्थापित कर देगा भाई, ठीक है ना। अब मैं दोस्तों ये तो मानता हूँ कि जो एयरटेल का फाइबर कनेक्शन है उसमें जो स्पीड मिलती है ना वो काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर जियो दोस्तों। बट एयर फाइबर के अंदर स्पीड उसे बेटर मिलेगी क्या उसे घटिया मिलेगी, ये कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एयरटेल का ऑलरेडी मैं प्रीपेड कनेक्शन यूज़ करता हूँ, तो मेरा प्रीपेड कनेक्शन में भाई एयरटेल के साथ ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूँ ना, एयरटेल का जो प्रीपेड कनेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल 0 है भाई, ठीक है। इससे बेटर मैं जियो का जो प्रीपेड कनेक्शन यूज़ कर रहा था उसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, मच बेटर था भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एयरटेल के एयर फाइबर के अंदर कौन कौन सी नई सिटीज ऐड हुई हैं एंड टोटल यहाँ पे कितनी सिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे गाइस हम जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ऑफिशियली वेबसाइट मैंने एयरटेल का यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं से हेलो एक्सट्रीम एयर फाइबर का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, ये है कुछ एयर फाइबर। और यहाँ पर एयर फाइबर के जो प्लान है देख सकते हैं, 3 प्लान यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। 699 का जो प्लान है इस प्लान को और 899 के प्लान का दोस्तों आप जो है 3 महीने, 6 मंथ एंड 12 मंथ, इन 3 कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो है परचेज कर सकते हैं। यानी कि अब जो है एयरटेल ने तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप 3 मंथ का प्लान भी जो है एयरटेल एयर फाइबर का इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 699 का प्लान लेना पड़ेगा, 3 महीने का रिचार्ज होगा, 40 MBPS की इसमें स्पीड मिलेगी, डेटा दिखा रखा है अनलिमिटेड मिलेगा, बट एक्चुअल में अनलिमिटेड है नहीं है, है तो सिर्फ 1000 GB, बट उसके 1000 GB जब आपका खत्म हो जाएगा ना उसके बाद भी आपको जो है यहाँ पर एयरटेल कहता है कि आपको 2 MBPS की स्पीड में प्रोवाइड करूँगा। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेस्ट लगती है एयरटेल की कि आपको अनलिमिटेड डाटा ही मिल जाता है एक तरह से, बस आपको स्पीड वहाँ पर थोड़ी सी कम मैनेज करनी पड़ेगी आफ्टर 1000 GB डाटा। अब यहाँ पर दोस्तों एयरटेल जो है बाकी इसके अंदर आपको फ्री में 4K सेटअप बॉक्स भी देता है, एक छतरी आपके घर पर लगा के देगा, ठीक है, और उससे आपका केबल आएगा नीचे और वहाँ से एक आपका 4K सेटअप बॉक्स जो है आपके TV के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके घर पर कोई नॉर्मल TV भी होगा तो वो भी जो है एयर फाइबर की हेल्प से जो है मतलब सेटअप बॉक्स की हेल्प से स्मार्ट TV में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वहाँ से आप जो है पूरे 350+ HD SD चैनल्स का मजा ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो इनका इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 1000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर 899 का प्लान लेते हो इसके अंदर भी आपको सब सेम फीचर्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको स्पीड जो है इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो दोस्तों। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि 699 का आप प्लान लेते हैं 3 महीने का। अब यहाँ पर दोस्तों जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है ट्राई सिटी कि कौन कौन सी जगह पे अब जो है ये अवेलेबल है। पहले आपको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 7 आपको राज्य ही देखने को मिलते थे चुनिंदा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक बार माउस को स्क्रॉल करूँगा तो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी बार स्क्रॉल करूंगा तो कंप्लीट हो गया, मतलब ठीक है भाई इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगर मैं इनको काउंट करूँ दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऑलमोस्ट मतलब 25 से 30 के बीच में जो है सिटीज इन्होंने कवर कर ली है, राज्य कवर कर ली है भाई, ठीक है। सबसे मेन जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर, जयपुर, इंदौर, हैदराबाद, गुवाहाटी। तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपका एरिया कौन सा पड़ता है, आपके एरिया इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है या फिर नहीं आता। मेरे जो मेरा एरिया दोस्तों अभी इस लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। तो जब मेरा लिस्ट में आ जाएगा मेरा एरिया, तो मैं डेफिनेटली दोस्तों एक डेमो जरूर इंस्टॉल कराऊंगा एंड आपको डेडिकेटली उसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि उसकी स्पीड कैसी है एंड ये एक्चुअल में चलता कैसे है। मतलब कि इसके अंदर जो जियो फाइबर में प्रॉब्लम हमें आती है ना लैग वगैरह की, जब हम टीवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे हमें लैग देखने को मिलता है, तो इस प्लान के अंदर क्या हमें टीवी चलाने पे लैग मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो पूरा कंप्लीट आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। बट मेक श्योर कि मेरा जो सिटी है यहाँ पर आ जाए, अभी मेरा जो सिटी है इसके आसपास नहीं है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, जानकारी आप लोगों को कैसे लगी। अगर जानकारी यानी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।